नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। हम मानते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका कम वेतन में काम करते हैं और कम वेतन इनको मिलता भी है। कोई ज़्यादा वेतन की बात होती नहीं है और कम वेतन पर लगातार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है काम करती। दूसरी तरफ इसमें मोबाइल रिचार्ज भी जो है उनको बहुत कम जो है मिलता। मोबाइल रिचार्ज पर भी हम कई बार सवाल उठाए हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो है ड्रेस पर भी हम कई बार सवाल उठाए हैं। उतने ही नहीं, इस विभाग में जितने भी सारे सिस्टम है उस सबके ऊपर हमने आवाज़ उठाया है। लेकिन अगर हम बात करें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के वेतन की, तो लगातार इंतजार में सेविका और सहायिका है कि लोकसभा चुनाव से पहले इन लोगों का वेतन क्या लागू हो सकता है, क्या इन लोगों का जो वेतन है वह बढ़ोतरी होकर के कितना मिल सकता है। अब इस पर तमाम न्यूज़ चैनल और तमाम एपिसोडों में जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की, वो सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि इन लोगों की हौसला बनाए रखें। इन लोगों की हौसला अगर बनाए अगर रखते हैं तो आपको पता है क्या होगा, समाज के अंदर इन लोगों का जो है विभाग के अंदर काम करने में अच्छा रहेगा और अच्छा लगेगा भी। लेकिन सवाल उन वेतन की नहीं है, सवाल यहां होता है मेंटेलिटी टॉर्चर का। बार बार ये सरकार उन्हें उत्पीड़न करते हैं, बार बार उन्हें शोषण करते हैं, कभी वेतन के नाम पर, कभी मोबाइल रिचार्ज के नाम पर, तो कभी मोबाइल के नाम पर, तो कभी गैस कनेक्शन जो इसमें मिलता है उसकी बातों को लेकर। अब हाल ही में देख लीजिए कि लगभग 6,650 रुपये इन लोगों को गैस कनेक्शन के लिए मिला था। उस गैस कनेक्शन में गैस चूल्हा यानी इतनी कम दाम को दिया गया कि जिसका लाइफ ही नहीं। अब जरा एक बात बताइए कि ये तो गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर ये बच्चे के जहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पढ़ाती है उसी केंद्र पर जो है, या केंद्र के बस आसपास में जो है, या उसी मकान में आप कह लीजिए, उसी फ्लैट में कह लीजिए जो गैस से खाना जो है बनाया जाता है। अगर बाय दिवस अगर कमज़ोर अगर गैस चूल्हा अगर मिलता है या कम दाम की गैस चूल्हा का उपयोग अगर किया जाता है, तो मानिए कि अगर उस समय अगर कोई हादसा अगर घटे तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा। इसके जिम्मेदार को लेकर के लगातार हम लोगों ने आवाज़ उठा रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो बच्चों को मेंटेनेंस करती है आंगनबाड़ी सेंटर पर, आंगनबाड़ी केंद्र पर, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के उस समाज को बच्चे के आगे बढ़ाने की काम करते हैं। उनका पोषण तत्व हो, उनका एजुकेशन हो, उसका टीकाकरण हो, बाल विकास परियोजना के अर्थात ICDS विभाग की जितनी सारे नियम है, गाइडलाइन है, उन तमाम गाइडलाइन को जो है फॉलो करती है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका। लेकिन हमेशा वेतन के नाम पर उनको जो है टॉर्चर होता है। अगर हम वेतन के साथ साथ अगर बात करें तो वेतन ही नहीं बल्कि पोषाहार में भी जो है सबसे बड़ी घोटाला पर जो है बात होती है। हमने लगातार आप लोगों को घोटाले की बात भी जो है बताया और बता भी रहा हूँ कि उस बाल विकास परियोजना में जो ICDS विभाग के जो ऑफिसर, DPO, CDPO, सुपरवाइज़र, ये लोग जो है पोषाहार के जब भाउचर बनाते हैं, भाउचर जब तैयार करते हैं, तो उसमें भी जो है कमीशन लेती है। जो इसका बाल विकास परियोजना का जो सुपरवाइज़र होता है जिसको LS कहते हैं, वो भी 1,500-2,000 रुपये लेती हैं। उसके बाद जो इसका DPO होता है तो DPO डायरेक्ट जो है आंगनबाड़ी सेविका के डायरेक्ट कमीशन की बात नहीं करता है, वो डायरेक्ट CDPO की बात करता है। वो CDPO से बात करता है कि तुमने अपने क्षेत्र में किस प्रकार से असूली कर रही है, उसका जो भी हिस्सा है मुझे दो, मुझे भी जो है सरकार तक पहुंचानी पड़ती है। दूसरी बात, कभी कभी सेविका सहायिका मुझे बताती है, उस विषय पर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि
कभी कभी दूसरे प्रखंड की CDPO आ जाते हैं। मैंने अगले एपिसोड में भी आपको ये बातें बताए थे कि अगर आपके प्रखंड के CDPO किसी और प्रखंड में चला गया, किसी और प्रखंड की CDPO आपके इधर आ गया, जानते हैं ये कब होता है, ये कब किया जाता है, आपको हम बताना चाहेंगे। ये CDPO और DPO के बीच जब ऊपर से मामला जब पैसों की आती, रिश्वत की मामला जब बढ़ाया जाता है ऊपर से, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, सूत्रों के द्वारा जो खबर मिलती है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ऊपर से पैसे की लोड जब DPO को दिया जाता है तो DPO और CDPO में प्लान बनता है, DPO और CDPO में प्लान बनता है कि भैया इतने जल्दी बाजी में इतने पैसे कैसे वसूला जाएगा। तो उन लोगों के पास ये फार्मूला जो है बेहतर तरीके से काम कर जाती है और बेमौत फंस जाती है सिब का। अब होता क्या है कि जब आपके प्रखंड के CDPO किसी और प्रखंड में गया और किसी और प्रखंड के CDPO जब आपके प्रखंड में आएगा, जब आपके सेंटर पर जब वो रेड मारेगा, जब वो जांच करेगी, तो कोई गलती नहीं पाएगी, फिर भी कोई ना कोई नुक्स आपको निकाल करके सामने खड़ा करेगी। अब जो है उसका डिमांड होगा लाखों में डिमांड होगा कि तुम्हारे ये तुमने क्या किया, तुमने बच्चे को सही ढंग से नाश्ता नहीं देती हो, सही ढंग से खिलाती नहीं हो, तुम्हारे केंद्र पर ये मैंने पाया, मैंने वो पाया, मैंने ऐसे देखा, मैंने वैसे देखा। अब जो है मामला पहुंचता है चयन मुक्ति की ओर कि नहीं नहीं तुमने बहुत गलत किया है, हम तुमको जो है चयन मुक्ति करेंगे। मतलब कोई उपाय नहीं, ऊपर से आदेश है कि हम तुम्हें जांच किए हैं और चयन मुक्ति में हम करेंगे ही, हम तुम्हारे सेंटर पर गलत पाए हैं, हम ऐसा वैसा CDPO नहीं है, हम अरे गहरे CDPO नहीं है, हम किसी भी प्रकार के मामला को जो है पूरा निष्पक्ष जांच करते हैं। इस तरीके की भाषण होता है CDPO का। और फिर कमीशन की भरपूर तरीके से लाखों में डील होता है, जब लाखों में डील होता है तब हजारों पर जाकर के टिकता है, 50,000, 60,000, 75,000, 80,000, लेकिन इतने में टिकती। उसके बाद क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपके प्रखंड में अगर 200 सेंटर अगर चल रहा है, 200 सेंटर पर अगर 50,000 से ही अगर असूली कर लिया गया तो जरा बताइए कितने पैसे हो गए। ये सभी टेक्निकल है, इन विभागों के ऑफिसर का जो है एक बहुत बड़ी टेक्निकल है, हम आपको ये पूरी पर्दाफाश करके बताते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि ये बताने के पीछे का कारण क्या है। और ये समझिए तब आपको मालूम होगा इस विभाग में कितना जागरूक करने की जरूरत है। मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।